अन्न ही ब्रह्म है और भूखों को भोजन खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उल्लासनगर 3 स्थित थ्यारा सिंह दरबार में लंगर सेवा नित्य नए कृतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। आइए इस सेवा के बारे में लेते अधिक जानकारी। भाई साहब, आज ये लंगर सेवा का यहाँ पर सराहनीय कार्य शुरू किया गया है, तो क्या कहेंगे इस विषय पर आप? बोल गुरु नानक देव की जय। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थ्यारा सिंह साहब की तरफ से आज विशेष रूप से, जैसे हमारे पिताजी का शौक था भाई, जब भी शहर के ऊपर आपत्ति आए तो पहली सेवा दरबार की तरफ से शुरू होनी चाहिए। वो हमेशा 15-17 टन चावल यहाँ पे स्टॉक करते थे भाई, एक महीने तक भी ये सेवा चल पाए। पिछली बार बाहर से लेके 2005 से ये सेवा चलती आ रही है। तो विशेष रूप से जैसे बिल्डिंग गिरती है जहाँ पे, वहाँ पे लोग अंदर होते हैं, जो उनको फायर ब्रिगेड वाले निकालते हैं, पुलिस निकालती है। वहाँ पे हाजी मलंग में मेला लगता है पुलिस के लिए, सब शहर की सुविधा के लिए, लंगर पहुँचाने के लिए सुविधा, अच्छे से गर्म खाना जाए, 8 घंटे तक खाना इसमें लंगर साहब गर्म रहेगा और संगत को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले, उस विषय में इसका कार्य किया गया है। धन गुरु नानक, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु की फतेह। भाई मेहरान सिंह के दरबार में आज खड़े हैं हम लोग। यहाँ पर यही प्रण्या दिए गए थे कि गरीब लोगों को और जो भी संगत आए उनको भूखा नहीं रहने का है। इसलिए भाई साहब ने हमें यही सिखाया है कि हमेशा लंगर के साथ में रहो, लंगर चालू रहे, 24 घंटा लंगर चालू है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु की फतेह। मैं संगत से हाथ जोड़ के ये विनती करूँगा कि जैसा संत बाबा थ्यारा सिंह दरबार भाई साहब मेहरवान सिंह ने, ये जो भाई साहब मेहरवान सिंह की फुलवारी है, उनने जो हम लोग को सिखाया है कि गरीबों की सेवा करना चाहिए, भूखों को अनाज देना चाहिए, प्यासों को पानी देना चाहिए, तो उनकी प्रेरणा लेके हम जनता से, संगत से ही हाथ जोड़ के विनती करेंगे, जैसा बर्थडे आता है, सालगिरह आती है या वर्षी आती है, तो उसमें फालतू खर्चा न करके ऐसे ही लंगर की गरीबों के लिए सेवा करनी चाहिए। वैसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, धन गुरु नानक, धन गुरु बाबा अपना भाई साहब मेहरवान सिंह जी। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थ्यारा सिंह उल्लासनगर हमेशा ही लंगर सेवा के लिए जाना जाता है। पिछले 1.5-2 साल से जो कोविड का पीरियड चल रहा है, उस कोविड के पीरियड में हम लोगों ने 25,000 से 30,000 लोगों का खाना, उस वक्त जो पहली लहर आई थी उसमें बनाया था। उसके बाद भी वो सेवा अभी तक कंटिन्यू चली रही है और भाई साहब की हमेशा ये होता है कि भाई साहब हमेशा लंगर के लिए हमको प्रेरणा देते हैं कि सोनू कहीं पर भी किसी के भी लंगर के लिए फ़ोन आए तो उनको ना नहीं करनी है। और लंगर की एक ऐसी सेवा है जो हमको करते हुए बहुत खुशी होती है और भाई साहब ने आज हमको ये एक बहुत बड़ी तोहफे के रूप में एक चीज़ दी है कि हम लोग जो लंगर की सेवा है घर घर तक पहुँचा सके और हर ज़रूरतमंद तक पहुँचा सके। बस यही कहूँगा कि जिस भी भाई बहन को जुड़ना हो लंगर साहब की सेवा के लिए, वो दरबार साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन गुरु नानक। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।